हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले आरती इंडस्ट्री का, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है मैंने यहाँ पे। अगर मैं बताऊँ, पहली बात तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल्स जिन्होंने यहाँ पे रिसेंटली इसमें बाइंग्स करी थी। मैंने अब मेरे लेवल्स पे जाके बाइंग्स करी थी। मैंने बताया था कि ये वाला जो पूरा जोन है, बाइंग जोन मैंने डिक्लेयर किया था, बताया था कि ये वाला जो पूरा जोन है इसमें बाइंग्स वगैरह कर लेना अगर इसको बाइंग्स करनी है। कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैं ये इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो जोन है काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल्स आया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है, तो यहाँ पे एक रिलीफ बाउंस यूजली आ जाता है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है रिलीफ बाउंस चल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये वाला है। अभी जिसने यहाँ पे मेरे जोन से बाइंग कर ली होगी तो उसको कितना प्रॉफिट होगा बता देता हूँ। अराउंड अराउंड 6% के अराउंड तो उसने प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। अगर यहाँ पे उसने सेल ऑफ नहीं किया होगा तो यहाँ पे 6.75% का उसने प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। बट अभी कब सेल करना है वो भी बता देता हूँ आपको। सेल करना है ये वाले जोन्स में, जब कभी भी ये वाला जोन टच होता है यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बट वो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, वॉल्यूम पर भी आपको थोड़ा फोकस करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ये वॉल्यूम्स में कब फोकस करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको पिछली बार को चार्ट के हिसाब से दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखा, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, यहाँ तक स्टॉक गया और यहाँ पे वॉल्यूम अगर इस वाले पॉइंट पे देखें, वॉल्यूम्स देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी लो हो गई थी, रेड वॉल्यूम्स आ गई और लो वॉल्यूम्स हो गए, तो यहाँ पे स्टॉक उसी टाइम पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको फोकस करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे चल रहे हैं। जैसे वॉल्यूम्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो वॉल्यूम्स अभी काफ़ी डिसेंट है और अच्छे वॉल्यूम्स हैं, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक अगर। बट यहाँ से अगर स्टॉक ने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इसने ये वाला ट्रेंड तोड़ा तो ये नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगा, और यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ से तो रिजेक्शन आएगा ही, ये गारंटीड है। ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ से एक रिजेक्शन आके यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगा, और फिर यहाँ से एक अच्छे खासे अपसाइड में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम अगर थोड़ा सा इंक्रीज, वॉल्यूम देखते रहना, वॉल्यूम अगर काफ़ी लो हो जाए, जैसे अगर यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे वॉल्यूम मैंने बताया आपको, वॉल्यूम अगर काफ़ी लो हो जाए तो बाइंग्स अपनी सेल ऑफ उसी टाइम पे कर देना। बट अगर वॉल्यूम्स काफ़ी हाई रहे तो फिर आप उसको और ऊपर तक खींच सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका लॉन्ग टर्म व्यू। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म व्यू पे फोकस करें तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको आपको जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि अभी स्टॉक थोड़ा सा बुलिश है, अभी अगर दिखाऊँ तो थोड़ा सा स्टॉक बुलिश है, और ये बुलिश कब तक रह सकता है ये चीज़ के बारे में डिस्कस करें। तो पहले इतने रिसेंटली कट ऑफ हुआ था नीचे से, मैंने बताया जब कभी 50 EMA नीचे से कट करता है 200 EMA को, तो एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी, अब इस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं कि बुलिश पैटर्न कब तक रहने वाला है। जैसे आपको दिख रहा हो यहाँ पे एक वॉल्यूम्स अगर दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स काफ़ी लो है, जैसे मैंने वहाँ पे भी डिस्कस कराया था। वॉल्यूम्स पे हर समय फोकस करना चाहिए कि वॉल्यूम्स कैसे हैं, कि वॉल्यूम्स यूजुअली क्या बताते हैं कि मार्केट कंडीशन के बारे में एक अच्छा सा, अच्छा खासा, एक अच्छा खासा डिटेल व्यू दे देते हैं कि मार्केट कंडीशन कैसे है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं वॉल्यूम्स काफ़ी लो है, बट अगर मैं पिछले बार के बुल, मतलब कि जब कभी एक अच्छा खासा नीचे से कट ऑफ हुआ है ऊपर की तरफ, तो कैसा सपोर्ट है, कैसे वॉल्यूम्स रहते हैं वहाँ पे, उस टाइम के वॉल्यूम पैटर्न्स पे अगर मैं फोकस कराऊँ आपको, तो यहाँ पे पिछली बार जब कट ऑफ हुआ था तो यहाँ पे वॉल्यूम्स पैटर्न काफ़ी अच्छे थे, जैसे आपको दिख रहा हो, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, तो ये अच्छी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल पैटर्न बना था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल पैटर्न बना था, जब ये कब हुआ था, जब वॉल्यूम्स काफ़ी सपोर्ट में थे। बट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो वॉल्यूम्स पैटर्न सपोर्ट में नहीं है, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म में तो मेरे हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। यहाँ पे अगर दिख रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो पैटर्न भी जैसा बन रहा है, पैटर्न अपसाइड है, और यहाँ से एक अच्छा खासा कट ऑफ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टॉक नीचे नीचे और एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो वो चीज़ कब होगी, जब ये वाला पैटर्न हिट होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए, जो ये चीज़ के बारे में डिस्कस किए, ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है 727 वाला जो सपोर्ट है, फोकस में रहना और देखते रहना वहाँ पे, और मेरे हिसाब से वहीं से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होकर फिर वापस से एक अच्छे खासे अपसाइड में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आरती इंडस्ट्रीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।